जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट आज इसमें आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूं, जिसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरो चाहे बाकी भर्तियों का भरो, ओटीआर जो सभी का एक टाइप का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अभी फॉर्म चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो फॉर्म करेक्शन को लेकर ओटीआर को लेकर बहुत सारा डाउट्स आ रहा है। तो इस डाउट को क्लियर करते हुए आप देखेंगे ओटीआर करना कैसे है, और वो भी बिना किसी गलती के, और गलती से आपने कर भी दिया और उसमें गलती हो गई तो उसको सुधार भी आप कैसे सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आप अपना तरीका देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। किसी प्रकार का किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वगैरह किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ पर चल रहा है, 90% ऑफ के साथ संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे सबसे कम प्राइस में, मात्र 199 रुपये के अंदर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सारे नोट्स दे रहा हूँ, और सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है अपने पास जो मात्र 99 रुपये का है। इससे सस्ता और तो क्या ही दे सकते हैं, इतना बेहतरीन क्वालिटी के साथ बेहतरीन नोट्स। डेमो ऐप के अंदर आप जाके देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड का, रीट का, प्री मेंस दोनों का अवेलेबल है, पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, किसी भी भर्ती। आप मान लीजिए किसी अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, तो वो सब आप देख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। फ्री कंटेंट भी बहुत सारा डाल रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, आप SSOID इस टाइप की आपकी ओपन होती है, SSOID के माध्यम से OTR होता है। सबसे पहले मैं करेक्शन के बता देता हूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने का भी तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो करेक्शन के अंदर क्या होता है, करेक्शन आप SSOID जैसे बना लेते हो, और SSOID आप यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाते हो। इस पेज में आपके ये रिक्वायरमेंट ऑप्शन नहीं आता है, जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है। यहाँ पे REC लिखोगे तब तक आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप सभी देख रहे हैं, तो इस टाइप के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे यूजर प्रोफाइल दिखेगी, जिसके अंदर आपने किसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है, जैसा कि आपने आधार कार्ड के माध्यम से किया है, यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट डिजिट यहाँ पे शो करेंगे, कैंडिडेट नाम शो करेगा, जेंडर वगैरह यहाँ पे, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और इसके अंदर कैटेगरी का ऑप्शन भी आता है ये। तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, इतने सारे ऑप्शन आप करेक्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपका OTR के अंदर करेक्शन होता है, ये सारा डिटेल आपका OTR के माध्यम से उठाया जाता है और आपके फॉरम में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है, वहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर पाते, आपको OTR में करेक्शन करना पड़ता है। तो OTR में करेक्शन करना है आपको, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ कि आप इसके अंदर OTR के अंदर कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, आपने बाई वे रिजर्व्ड सेलेक्ट कर लिया, बाई वे अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लिया, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राजस्थान के हैं यस क्लिक किया हुआ है, और किस कैटेगरी से रिजर्व है या नहीं है वो यहाँ पे दिख रहा है, और इसके बाद स्पेसिफिक आप किसी में है या नहीं है यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद एक्शन आ रहा है एडिट का, जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आप इस नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इस नेक्स्ट पेज में आएंगे तो मैं सारी जानकारी एक साथ लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि इसमें OTP आएगी, सबमिट करना पड़ेगा, सारी समझा देता हूँ। देखो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा, जिसके अंदर आप राजस्थान के हैं येस या नो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, देखो जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड। तो इसके अंदर रिजर्व्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन इस टाइप का आ जाएगा, अनरिजर्व्ड होगा तो भी इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो अनरिजर्व, मेरे पहले रिजर्व्ड था उसको अनरिजर्व्ड किया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, अनरिजर्व्ड है तो आपके लिए यहाँ पे शो कर दिया कि आप 200 रुपये फीस कटाइए, पे नाउ पर क्लिक करिए, और आपके यहाँ पे फिर आपका अनरिजर्व्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिस्टम आपके लिए भी हो जाएगा। आप भी इस टाइप से प्रोसेस करोगे, कंटिन्यू एक एक करोगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आप इस पेज पे कहाँ से पहुँचोगे, इस पेज पे यहाँ से पहुँचोगे। देखो यहाँ पे ये बहुत सारा डाटा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ, ये तो कैटेगरी तक की बात हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले आप चाहे किसी भी टाइप से आपने करेक्शन किया है,
करेक्शन किया, सॉरी रजिस्ट्रेशन किया, आपने मान लीजिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया है, किससे किया है, आधार कार्ड से, जिसके अंदर आपने आधार कार्ड नंबर डाले हैं, तो जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के अंदर आप अपना करेक्शन करवाइए। आप अपना क्या करवा सकते हैं, नाम करवा सकते हैं करेक्शन, फादर नेम करेक्शन करा सकते हैं, DOB करवा सकते हैं, ये तीनों चीज आप करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज जब करेक्शन होगी, जब इसके अंदर करेक्शन कब होगी, ये तीनों चीज जब करेक्शन होगी, जब आपके आधार कार्ड के अंदर करेक्शन होगी, और यही चीजें आप इसके अंदर एडिट नहीं कर पा रहे। देखो, नाम हो गया, जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब बता दूंगा। इससे पहले नाम आधार कार्ड में करेक्शन हो रहा है, फादर नेम यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से करेक्शन हो रही है, जेंडर भी आधार कार्ड से आप चेंज कर सकते हो। ये आपका सबसे प्राथमिक काम है कि आपको आधार कार्ड, आपका आपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करवाइए। आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करोगे मैक्सिमम आपको 7 डे लगेगा। आधार सेंटर पे जाना है आपको, या फिर तहसील के अंदर जाके करवा सकते हैं, मैक्सिमम आपको 7 डे लगेगा, आधार कार्ड के अंदर करेक्शन हो जाएगा। आधार कार्ड में जब करेक्शन हो जाता है तो आधार की साइट पे जाना डाउनलोड करने के लिए, और आधार कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपका आधार कार्ड सही से करेक्शन हो चुका है, तभी आपको इसके अंदर आगे का प्रोसेस करना है, अन्यथा नहीं करना। आधार कार्ड मान लीजिए आपने करेक्शन करवा लिया, एकदम सही सटीक करवा लिया, उसके बाद आपको इस प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पे फैक्स डाटा ऑप्शन आ रहा है, इस फैक्स डाटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फैक्स डाटा पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आपके सामने कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक नाम दिखेगा, एक आपको फादर्स नेम दिखेगा, एक जेंडर दिखेगा, एक डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। ये चार ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के अंदर गलती कर बैठते हैं। तो इन चारों चीजों के अंदर आपने सही करवा लिया तो आपकी यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड के अंदर सही डिटेल करवाई है वो आपकी यहाँ पे सही डिटेल आनी चाहिए। आपकी वो पुरानी गलत डिटेल ही यहाँ पे आ रही है, फिर आपने फैक्स डाटा फैक्स डिटेल कर लिया तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ये 2 से 3 बार आपको समय देता है बार बार करेक्शन करने का, उसके बाद फैक्स डाटा ऑप्शन हट जाता है। अभी 2 से 3 बार ऑप्शन दे रहा है, उसके बाद बार बार ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फैक्स डाटा पे करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड करेक्शन करवा के यहाँ पे फैक्स डाटा करना है, फिर फैक्स डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फैक्स डिटेल पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे OTP आएगा आपके पास, OTP डालेंगे आप, OTP डाल के वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, ये आपका नेक्स्ट पेज होगा, ठीक है। हाँ, OTP वेरीफाई करते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब दूसरे विद्यार्थियों को बता दूं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये तो करेक्शन हो गया, अब पहली बार कोई विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उनके लिए बता दूं कि आप इसके अंदर सबसे पहले आइए, यहाँ पे SSOID ओपन कर लेना, सारा प्रोसेस करना आ गया आपको। होम पेज पे आते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पेज पहुंचने के बाद आपको शो करता है आर यू राजस्थान रेजिडेंसी कैंडिडेट, तो आप राजस्थान के हैं तो यस कर दीजिए, राजस्थान के नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास जन आधार नंबर है क्या। जन आधार नंबर है तो आप यहाँ पे जन आधार कार्ड में डाल के फैक्स डाटा कर सकते हैं। आपके पास आपको जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ठीक है, आपको यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन कर देना, जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है। तो फिर आपको क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको क्या डालना है, आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपको आधार कार्ड ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, आधार कार्ड का डाल के आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से ही नहीं करना चाहते तो SSOID की प्रोफाइल से कर सकते हैं, लेकिन SSOID की प्रोफाइल से आपको नहीं करना है, आपको आधार कार्ड से ही करना, सबसे बेटर तरीका है आधार कार्ड वाला। और आधार कार्ड से नहीं कर सकते तो प्रोफाइल से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर मोबाइल नंबर और इसके अंदर GMAIL ID चेंज करना चाह रहे हैं कोई विद्यार्थी तो उनको भी मैं बता दूं, मोबाइल नंबर GMAIL ID कैसे चेंज होगा। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, देखो मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे, ये अपडेट पे जब क्लिक करना है पहले आपको SSOID के प्रोफाइल के अंदर जाना है, प्रोफाइल के अंदर ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको करेक्शन कर लेना है, मोबाइल नंबर क्या कर लेना है, करेक्शन कर लेना वहां पे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ साथ आप GMAIL ID भी अपडेट कर सकते हैं, तो GMAIL ID अपडेट पहले आप प्रोफाइल में आपको करनी है,
प्रोफाइल में आप अपडेट करेंगे, उसके बाद ये आपको यहाँ पे ऑप्शन अपडेट दिखेगा और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये अपडेट करने का ऑप्शन तरीका मिल गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।